तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिपल कॉइन के बारे में, यानी कि XRP कॉइन के बारे में, कि फ्यूचर में इसका प्राइस कितना जा सकता है और इस टाइम पे हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की वीडियो में आप लोगों से कहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा डंप कर सकती है और आज बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही हुआ। बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से डंप करा, यानी कि प्राइस उसका गिरा और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अगर आप इस टाइम पे कुछ कॉइन को बाय करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कल की वीडियो को जाके पूरा देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में कि कौन से कॉइन्स को बाय करना है और कितने प्राइस पर बाय करना है और कैसे आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते। बाकी यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें रिपल के मार्केट कैप की, तो इसका लगभग यहाँ पे 39 बिलियन का मार्केट कैप है और इसमें रैंकिंग में हम देखें तो ये नंबर 6 पे यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हम बात करें रिपल के करंट प्राइस की, तो लगभग इस टाइम 68 रुपीस INR में चल रहा है इसका प्राइस और यहाँ से मुझे लगता है अभी थोड़ा सा और डंप देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, तो इसका प्राइस भी यहाँ से गिरता हुआ हमें दिख सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इस कॉइन को आप 65 रुपीस के अंदर ही बाय करना और कोशिश करना 60-61 रुपीस में अगर आप बाय कर लो तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं बताता हूं आपको इस कॉइन के साथ यहां पे ट्रेडिंग कैसे करनी है जिससे आप शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों के लिए प्रॉफिट कमा पाओ। तो आपको यहां पे सबसे पहले करना क्या है, जब भी इस कॉइन का प्राइस 65 से नीचे हो या 60 रुपीस के आसपास हो या उससे कम हो तो आपको वहां पे इसको बाय कर लेना। कोशिश करना कि 61-62 के आसपास ही बाय करो या उससे कम में करो, इससे ज्यादा में बाय करना मैं आपको यहां पे सजेस्ट नहीं करूंगा इस कॉइन को, क्योंकि मुझे लगता है इसका प्राइस थोड़ा यहां से और गिरेगा। तो यहां पे 60 रुपीस के आसपास यहां पे एक अच्छी एंट्री ले सकते हो आप इस कॉइन के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसका प्राइस 70 के ऊपर जाता है, 75-80 के आसपास जाता है क्योंकि अभी गया भी था रिसेंटली और जाता रहता है, इतना तो नॉर्मल चला जाता है, तो वहां पे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल करके वहां पे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी XRP एक अच्छा कॉइन है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा डंप में लो, यहाँ से 60-61 के आसपास लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना आप डंप लेते हो उतना ज्यादा आपका रिस्क परसेंटेज कम हो जाता है और उतना ही बेटर वो आपका कॉइन परफॉर्म करके देता है। तो इस कॉइन को आप 60-62 रुपीस के अंदर बाय कर सकते हो, थोड़ा वेट कर लेना, हो सकता है कि और डंप हो यहाँ पे 50 के आसपास देखने को मिले, 55-58 के आसपास, तो वहां से अगर आप बाय कर लोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो थोड़ा अगर डंप हो रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डंप का वेट कर सकते हो आप और 60 के अंदर बाय कर लो तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। कि रिपल होल्डर जो है उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी न्यूज भी है, यहाँ पे जो एक आर्टिकल छापा है फोरकास्ट जो एक कंपनी है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है रिपल के जो CEO हैं उन्होंने कुछ ऐसा क्लेम करा है कि वो अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे और इसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और रिपल के प्राइस को यहाँ पे ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनका ऐसा मानना है कि रिपल के ऊपर जो क्लेम्स लगाए थे US सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेंज द्वारा, तो उसका जो है रिपल के प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था जिसकी वजह से इसका प्राइस काफी ज्यादा कम हो गया था, तो इस चीज पे वो ज्यादा ध्यान देंगे और अब रिपल के प्राइस को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बेसिकली यहाँ पे जो रिपल कॉइन की ग्रोथ है वो करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी इस कॉइन की अगर आप हिस्ट्री भी देखो तो काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया इस कॉइन ने लोगों को, लगभग अपने डबल प्राइस पे इस टाइम में ये चल रहा है अगर स्टार्टिंग से हम देखें, और वैसे इस टाइम पे पूरी मार्केट ही गिरी हुई तो खाली इस कॉइन को हम यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, बट अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो इस टाइम लगभग अभी भी ये डबल प्राइस पे अपने है। बाकी पैसे आप लोगे तो डिसीजन में यहाँ पे आपका कि आपको इन्वेस्ट इसमें करना है नहीं करना है, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने इसमें कर रखा है इन्वेस्ट और काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कॉइन में दिया है। हालांकि इसकी ब्लॉकचेन इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा कॉइन है रिपल, तो रिपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आपके जो भी यूजफुल पैसे होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर 65 रुपीस के अंदर आप रिपल को बाय कर लेते हो वो काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, और अगर आप कोशिश करो कि 60 के आसपास बाय कर लो तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे आपका रिस्क परसेंटेज जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखा करो कि एक कॉइन पे सारा इन्वेस्टमेंट जो भी आपका है वो सारा इन्वेस्ट मत किया करो, यहाँ पे आप 2-3 कॉइन लेकर रखा करो ताकि एक अगर डंप में भी हो तो दूसरे से आप प्रॉफिट निकाल पाओ, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है अगर आपको एक कॉइन अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो दूसरा कॉइन जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे जाता है, जिसकी वजह से जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा आप उसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और वो फिर लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट दे गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।